मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां अब तेज कर दी हैं। सभी 29 सदस्य क्षेत्र के लिए दो दो एलआईडी प्रचार रथों को रवाना किया गया है। इन रथों के जरिए छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं होंगी और आमजन से विकसित भारत संकल्प पत्र के लिए सुझाव दिए जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बुधवार को आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर सभी 29 सदस्यों क्षेत्र के लिए प्रचार रथ को रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री यादव ने बीजेपी के अब की बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार नारे का जिक्र करते हुए कहा कि अब तो प्रतिपक्ष के नेता भी इस नारे को कहने लगे हैं। हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री, और अब हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया कह रही है और हमारे अपने प्रतिपक्ष के नेता खुद कह रहे हैं, वो नारा लगा रहे हैं अब की बार ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार पुनः सरकार बने और भारत दुनिया का नंबर वन देश बने और हमारा मध्यप्रदेश देश के अंदर नंबर वन का प्रदेश बने। इस कारण से खास करके हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी अपनी कार्य पद्धति, हम सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलते हैं, सबके सुझावों का सम्मान करते हैं, सबके साथ सुख दुख अच्छे बुरे सभी के साथ खड़े होकर के हमारी वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है उसका प्रकटीकरण करते हैं।